केंद्र सरकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, लेकर आई है। अब ऑर्डिनेंस या अध्यादेश किन परिस्थितियों में लाया जाता है? तो भारत के संविधान में जो आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 के तहत या प्राविधान केंद्र सरकार को दिया गया है कि अगर किसी भी समय संसद की सत्र, जब सत्र नहीं चलती है, तो ऐसे देश में, ऐसे समय में अगर क्रिटिकल सिचुएशन है या इमरजेंसी सिचुएशन है, तो जो केंद्र सरकार है वो अध्यादेश ला सकती है। अध्यादेश माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होता है और वो ड्राफ्ट कानून का रूप ले लेता है। अभी ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यादेश लाया गया है। आपको पता है कि इस देश में लगभग 123 साल पुराना महामारी अधिनियम था। महामारी अधिनियम बहुत ही कमजोर था, बहुत ही लाचार था, और ऐसे में अपने देश में जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या पुलिस हों, इन पर हमले की घटनाएं आम हो चुकी थी। ऐसे में केंद्र सरकार ने शक्ति दिखाते हुए जीरो टॉलरेंस जिसे कहते हैं ना, कि जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको जो डैमेज हो रहा है, उनकी गाड़ियों को जो तोड़ा फोड़ा जा रहा है, और उनको पर्सनल लेवल पर भी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उससे उन्हें बचाने के लिए इस कानून में जो महामारी अधिनियम था 1897 का, इसमें बदलाव किया। इस बदलाव का यही मकसद है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, जो इस सिचुएशन में हमारे आपके बीच में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके खिलाफ होने वाले जितने भी जुल्म हैं, जितने भी क्राइम्स हैं, जितने भी अपराध हैं, उन पर काबू पाया जा सके। तो इसमें कुछ प्रावधान लिए गए हैं, जैसे कि कोई भी डैमेज का मतलब कोई भी नुकसान, कोई भी क्षति अगर डॉक्टर्स के हेल्थ पर की हेल्थ प्रोफेशनल है, अगर उसकी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग दियर पर्सनल व्हीकल्स, अगर उसकी गाड़ी वाड़ी को भी कोई तोड़ता फोड़ता है, तो ऐसे में क्या होगा, जो अटैकर होगा, जिसने भी ये किया है, विल बी लायबल टू पे ट्वाइस, उसका दुगना उसे पे करना पड़ेगा मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जैसे किसी की गाड़ी को क्षति पहुंचाया जाता है किसी भी डॉक्टर्स को, तो जो भी ऐसा कर रहा है वो उससे वो दुगनी राशि वसूल की जाएगी अकॉर्डिंग टू अमेंडेड लॉ, ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अमेंड किया है। ऐसे ही इसमें अभी तक क्या था कि मैक्सिमम 6 महीने की सजा थी, और आपको पता है कि अभी तक इसको क्या किया गया था, असंज्ञेय अपराध की दृष्टि में ही रखा गया था। तो अभी इसको क्या किया गया है कि ऑर्डिनेंस ने क्या कर दिया है कि पनिशमेंट को 7 साल तक के लिए बढ़ा दिया है, और पेनाल्टी है, अभी तक पेनाल्टी केवल 1000 रुपये तक थी। ये सब हम डिटेल में देख चुके हैं इससे पहले का भी, 188 IPC जो है वो हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमम आप बताओ 1000 रुपये तक की जो है फाइन है, और ये 100 अंग्रेजों का जमाने का जो कानून चला आ रहा था, ऐसे में घटनाओं पर काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इसमें 5 लाख तक का पेनाल्टी को भी इंक्रीज किया गया है। तो ये क्या करेगा कि जो हमारे देश में इश्यूज हो रहे थे, ऐसे कई सारे केसेस आ रहे थे डॉक्टर्स के खिलाफ, तो उनको काफ़ी इससे कानूनी सहायता मिलेगी। और इस पूरे के पूरे अमेंडमेंट में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि ये नॉन बेलेबल है, जो भी डॉक्टर्स के ऊपर हमला करेगा उसे बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया है, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, मतलब ये संज्ञेय अपराध भी हो गया है और नॉन बेलेबल ऑफेंस के कैटेगरी में भी इसे रख दिया गया है। तो अभी कई सारे और कानून भी थे, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और इंडियन पिनल कोड की IPC 188 के तहत ही अभी तक सजा दिया जाता था, तो उसी में इसको अमेंड कर दिया गया है। मतलब जो चूंकि जो महामारी अधिनियम था, महामारी अधिनियम की जो धारा तीन हमें रीडायरेक्ट करती थी कि IPC 188 पे जाओ, अब IPC 188 में क्या था कि भाई 1000 से ज़्यादा जुर्माना नहीं है, 6 महीने से ज़्यादा जो है सजा नहीं है। तो अल्टीमेटली महामारी अधिनियम में ही बदलाव कर दिया गया है कि अब क्या होगा, ये प्रावधान होंगे, ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, बेल नहीं मिलेगी, 7 साल तक की सजा हो गई है, 5 लाख तक का जुर्माना हो गया है, और साथ ही साथ जो भी अटैक करेगा, जो भी प्रॉपर्टी डैमेज होगा, उसी दुगनी राशि में वसूली की जाएगी। तो ये पूरा केस था, इससे उम्मीद है ऐसी घटनाओं पर काबू किया जा सके।